हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मेरे न्यू ब्लॉग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की पकौड़ी, जिसमें मैंने एक कटोरी ये चने की दाल और उसमें आधी कटोरी चावल डाल के 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये कटहल को हमने काट करके बॉयल कर लिया है। अब हम इसे मिक्सी में डाल करके पीसेंगे। इसमें हरी मिर्ची, थोड़ा लहसुन डालेंगे। अब इसे हम जार में डाल करके अब हम अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। अब ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार है। इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये थोड़ी हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, हरी मिर्च हमने इसमें पहले से डाल रखी इसलिए थोड़ा से चिली पाउडर, अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें कटहल भी डाल के मिक्स करेंगे, डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटहल। इधर कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया है क्योंकि गर्म हो रहा है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। पकौड़ी तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना। ये इतनी कुरकुरी और टेस्टी पकौड़ी बनती है कि आप मार्केट की पकौड़ी खाना भूल जाएंगे। ये देखो, हमारी कुरकुरी कुरकुरी पकौड़ी तैयार है। कटहल की गर्मा गर्म पकौड़ी तैयार है। अब मैं आप लोगों को इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। एक बार जरूर ट्राई करना, कमेंट में बताना कैसी बनी है। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।